गुरुगुटी का ले सकते हैं और मंजप कर सकते हैं, लेकिन सवा लाख गुरु मंत्र जब जो करेगा उसको ही इस गुरुगुटिका का फल मिलेगा। आप आपके जीवन में सामर्थ्यवान जीवन जिएंगे, एक समर्थ आदमी कहलाएंगे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने का समय नहीं आएगा। जो इस गुरुगुटिका लेकर मैं जो मंत्र दिव्य हो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का जाप करेंगे, उसके जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का दिन नहीं देखना पड़ेगा। वो चाहे जंगल में भी हो, देवताएं अप्सराएं उसके सामने आकर उसको परोस की जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सवा लाख गुरु मंत्र जब करना जरूरी है, सवा लाख गुरु मंत्र जब जो करके इस मंत्र को करते हैं उन्हीं को इसी का फल मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी जैसा कहा, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सेवा से प्रसन्न होकर, अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर, अगर मेरी पुकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से के पास पहुंचती है तो मैं जरूर गुरु से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हम आपके राह पर आ रहे हैं, हमें सिद्धाश्रम कहाँ है ये पता नहीं, हम उस आपकी जिसने आपकी बात आपका मंत्र लेकर हम हिमालय की ओर तो चल रहे हैं, आपको हमें रास्ता बताना होगा, आप उंगली पकड़कर हमें सिद्धाश्रम पहुंचाएंगे, हम आ रहे हैं, हमने आपका एक वचन था कि तुम एक कदम चलो मैं तुम्हें 10 कदम आगे लूंगा, हम एक कदम चलने के लिए तैयार हैं, हम आ रहे हैं, प्रभु आपको हमारी उंगली पकड़ लेंगे। उसी इच्छा को लेकर जिससे हमारी चक्र जागृति हो, तुम्हारे में असमर्थता ना हो, गुरु जी ने कहा था जिसने मुझे धारण किया, मुझे धारण करने का मतलब स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को अपने में धारण किया, वो कभी असमर्थ नहीं जीता, वो जहां भी खड़ा रहता है देवता उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसा ही दिव्य हो मंत्र आपको अभी मैं प्रदान कर रहा हूँ, उसका विधान है कि गुरुगुटिका को पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेने के बाद एक स्फटिक माला गले में धारण कर ले और एक स्फटिक माला हाथ में ले लेकर इस मंत्र का रोज 5 माला करें 11 दिन के अंदर अंदर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का दर्शन निश्चित रूप से होगा, और जिसको दर्शन हुआ वो मेरे साथ पहुंच रहा है, वो मेरे साथ आ रहा है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने इस मंत्र को ही उतनी दिव्यता प्रदान की है, उतनी दिव्यता कही है, उस मंत्र को मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आप अपने हाथ में गुरुगुटिका को दाहिने हाथ में लेकर अपने माथे को लेकर नमस्कार करें और उसके बाद मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र को मैं जरास करके दे रहा हूँ क्योंकि मंत्र बड़ा है, उसको 5 माला 11 दिन करना है। आप कहीं भी एकांत में रहकर करो और आपकी आंखें मूंदकर इस 5 माला को मंत्र जप करने के बाद 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आपको गुरुजी की आज्ञा या गुरुजी के कहा गुरुजी कहाँ हैं और आप उससे क्या करना चाहते हैं इसका निर्देशन जरूर मिलेगा। और यह दिव्योग मंत्र स्वामी निखिलेश्वरानंद ने स्वयं उस वामांग को दिया था जिसको मंत्र जब भी उच्चारण करना नहीं आता था, उसने इस मंत्र को करते हुए भ्रष्मा विद्याओं को भी सिद्ध किया था। क्योंकि इस मंत्र से स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, अपने शरीर में आ जाते हैं और वो अपने से बात करने लगते हैं कि अपने आगे क्या करना है, अपने जीवन किस तरह गुजारना है, अपने जीवन में किस प्रकार की कमी है और उस कमी को किस प्रकार से निकाला जाता है। हमारे शरीर का मस्तिष्क कुंडलिनी जाल से स्फोटक मात्र से स्फोट हो जाता है और उसमें उसी कुंडलिनी जाल में कितने भी तुम पापी हो, कितने भी तुमने पाप किए हो, लेकिन इस मंत्र को अगर निष्ठा से तुम करते हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी कुंडली जागरण होगी और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी तुम्हारे सहस्रार में छोड़कर आकर अंदर आके बैठेंगे। इस मंत्र की श्रेष्ठता ग्यारह बार गुरु मंत्र और 11 बार चेतना मंत्र और 11 बार गुरु गायत्री आपके मन में गुरुगुटिका को हाथ में लेकर बोलो, उसके बाद मैं मंत्र प्रदान करूँ। दोनों हाथ जोड़े और जैसा मैं कहता हूँ इस मंत्र को बोले, मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। मैं इसको जरा सा भी आपको दे रहा हूँ, मंत्र बड़ा है लेकिन जो लोग 11 दिन की साधना को करेंगे उनके हृदय में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को धारण करने वाले और उनकी कुंडलिनी जागरण में सहस्त्रार में उनके स्वयं गुरु जी आकर निवास करेंगे। ऐसा ही यह दिव्य मंत्र है, इसे दिव्योग मंत्र कहा गया है। आप नमस्कार करके गुरु से प्रार्थना करें कि गुरु जी हम जिस सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना करते हैं, हमें सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए आपने कहा था हम तो असमर्थ हैं, हम नहीं चल सकते, हमारे पीछे सारे संसार लगा हुआ है, हम संसार सागर में डूबे हुए हैं, फिर भी हमें सामर्थ्यवान बनाकर आपके पास तक आने की क्रिया के लिए इस अड़चनों को निकाल देकर हमें सामर्थ्यवान बनाएं और हम आपकी तरफ आएँ। हम सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अड़चनें हैं, नौकरी है, बीवी बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी आप इस 3 साल में आपके पास आए, ऐसे सामर्थ्यवान बनाने के लिए, हमें अनुकूल बनाने के लिए, आपके पास आने की अनुकूलता प्रदान करने के लिए आप हमारे में स्थापित हो जाएं, हमारे सहस्त्रार्थ की जागृति करें, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में आप करें।
शिवा कह रहा है यहाँ खड़े खड़े अब क्यों ये मंत्र दे रहे हैं, वो लोगों को कहाँ सरगर्दी कर रहे हैं, अच्छी तरह है बैठे हुए वो लोगों को, काय को ले जाने का, अपन दोनों चले जाएंगे ना सीधा शाम को, ये सब लोगों को किस लिए बोल रहा है? अब स्वार्थ बोलो निस्वार्थ बोलो, वो तो कान में यही कह रहा है कि ये लोगों को क्या, जिनको बीवी बच्चे सब लगे हुए हैं, उनके बच्चों के साथ बैठे हुए पैसे, उनको परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? अब आप निर्णय करना है कि अगर शिवा सही कहता है तो तालियां बजाओ, शिवा झूठ कहता है तो नहीं। क्या फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, बोलो नमामि निखिलम दिव्य गुरु तत्स्वरूपिणम यस्य प्रसादमाय प्रसादामाय कुंडलिनी चक्रासते ओम रम चक्रम जाग्रय स्फोटय ओम फट नमामि निखिलम दिव्यम गुरुतत्त्वम स्वरूपिणम यस्य प्रसादमादाय कुंडलिनी चक्रासते ओम रम चक्रम जाग्रय स्फोटय ओम फट नमामि निखिलम दिव्यगुरुं तत्त्वस्वरूपिणं यस्य प्रसादमादाय कुंडलिनी चक्रासते ओम रम चक्रम जाग्रय स्फोटय ओम फट। कहते हैं कि रमण महर्षि जो अपने पास बैठे हुए थे, वो अपनी गुरु की गुरु के बारे में स्मरण करते हुए कई साल गुजार दिए। उसके बाद उनके सहस्त्रार में फूटी और सभी लोगों ने देखा कि उनका सहस्त्रार फूटा, उसमें से अग्नि बाहर आई और वे रमण महर्षि संसार के सबसे महान गुरु कहलाए। इससे भी तुम्हारे चक्र जागृति के साथ कुंडलिनी का स्फोट होता है और उसके साथ गुरु जी आपके मस्तिष्क में आपके शरीर में स्थापित हो जाते हैं, और स्थापित हो जाने के बाद गुरु जी को जितनी देवता और सिद्धियाँ हैं आपको सारी सिद्धियाँ दर्शन देने लगती है और आपको लगता है इस संसार तुच्छ लगता है। आपको बीवी आपके पत्नी को चाहिए, आप चाहिए या 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो पत्नी कहती है आपने 5 करोड़ रुपए, उसको 5 करोड़ रुपए के आप बाहर आ सकते हैं। आप बीवी चाहती है मेरे बेटी बेटी को शादी करो और आप कहीं भी जाओ तो उसके बेटी बेटी की शादी करके आप बाहर आ जा सकते हैं, आपको असमर्थ नहीं जीने दूंगा। अगर आपको साथ पत्नी कहती है कि हम दोनों मिलकर जाएंगे तो दोनों मिलकर जाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो इस संसार में इस मंत्र से आपको मिलेगा। आप निर्णय आपका है, सामर्थ्यवान बनने का मंत्र आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ कि आपके पत्नी पति माता पिता किसी को भी किसी तरह का कष्ट ना पहुँचे और आप इस 3 साल गुरु जी की साधना के साथ गुजारें, किसी भी प्रकार का आपको कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि मैं भी उसी साधना और उसी के साथ गुजरा हूँ। मैं भी एक सांसारिक हूँ, गृहस्थ हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मेरे साथ सभी होने के पर भी मैं बाहर आ रहा हूँ तो आप भी आ सकते हैं। हमारे हिमेश को पत्नी चाहिए, लड़की चाहिए, साधना चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़ रुपए चाहिए, तो करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन छोड़ के आने के बाद जब कहेंगे तभी श्रेष्ठ कहलाएंगे। इस सभी को छोड़ने की क्रिया करने के गुरु के साथ आने की क्रिया को श्रेष्ठ तत्व कहा गया है और उसको सामर्थ्यवान बनाने के लिए मैं आपको यह मंत्र दे रहा हूँ। आपको मंत्र का जरा सा आपके पास तक पहुँच जाएगा, आप यहीं बैठे बैठे आज गुरु जन्म दिवस पर गुरु जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार दंडवत करके प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी आप हमारे शास्त्रार्थ में स्थापित हो जाओ और हमें सामर्थ्यवान बनाओ कि हम अनिल कुमार जोशी के साथ आपके साथ पहुंच जाएं। इस 3 साल में आपके साथ हम जरूर आएंगे। इस मंत्र का संकल्प लेते हुए नमस्कार करते हुए इस कार्य को करें। मंत्र आपके पास पहुंच रहा है, मंत्र आपको दे दिया हूं, या तो आप लिख लो नहीं तो जरा स्थापित आपको दी जाए। स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है ऐसा कह रहे हैं, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आपको जराक्स दिया जाएगा, जराक्स ले लेना। अभी मंत्र करना है, मंत्र करने के बाद दीक्षा देता हूँ। मंत्र कम से कम 21 बार करो मंत्र, या कम से एक माला, उसके बाद दीक्षा प्रदान करूंगा। गुरु का लिखा पहले साष्टांग नमस्कार गुरु को करना, और मैंने जैसा संकल्प कहा है वैसा संकल्प मन में बोल लेना कि मैं फलाने नाम का फलाना गोत्र फलाने पिता का पुत्र प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आपको आप मेरे शास्त्रार में स्थापित हो जाए और अनिल कुमार जोशी के साथ हम सिद्धाश्रम के मार्ग पर आप तक पहुंचे, ऐसा साष्टांग नमस्कार करके प्रण करें। आपके जीवन में असमर्थता नहीं आने दूंगा, ना आपके बीवी बच्चों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा,
आप वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं सारी कामनाओं के साथ। उस सामर्थ्य को प्रदान करने के लिए मैं यह मंत्र आपको दे रहा हूं कि आप निश्चित रूप से अपने परिवार को वहीं रखकर सुखी रखकर आप आगे आ सकेंगे। आशीर्वाद देता हूं।